चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि इस वक्त हनुमानगढ़ से है, जहां बैंक शाखा में लूट का प्रयास विफल रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जंक्शन धानमंडी शाखा में लूट की कोशिश की गई और बैंक कर्मचारियों से चाकू की नोक पर मांगी गई नकदी। लोगों के सहयोग से भागते समय पकड़ा गया नकाबपोश। पुलिस कर रही है अब आरोपी से पूछताछ और ये सीसीटीवी फुटेज भी उसका सामने आ चुका है। इस बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया। बैंक शाखा में लूट की तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाया। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कपिल जुड़े हुए हैं। कपिल, कब की ये घटना है और फिलहाल आरोपी से और क्या कुछ पता चल पाया है? जी, अभी ये जैसे ही 10 बजे बैंक खुले थे, बैंक खुलने के तुरंत बाद ही ये आरोपी एक चाकू लेकर, बड़ा चाकू लेकर बैंक के अंदर पहुंच गया और बैंक के जो कैशियर है उसके गले गर्दन पर लगा दिया और कहा कि मुझे पैसे दे दो। लेकिन वहाँ लोग मौजूद थे, लोगों की मौजूदगी के कारण वहाँ ये सब घटना होने से बच गई और इसको भागते हुए लोगों ने, आसपास के जो लोग थे, जो भीड़ थी, उन्होंने इसको पकड़ लिया मौके से ही। चलिए शुक्रिया आपका कपिल शर्मा इस जानकारी के लिए। तो हनुमानगढ़ से खबर है जहाँ बैंक शाखा में लूट की कोशिश की गई थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया और उसके बाद नकाबपोश इस शख्स को लोगों ने ही पकड़ लिया और अब उससे पूछताछ की जा रही है।